दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि दुनिया में 80-85% जो फ़ोन यूज़ किए जाते हैं वो एंड्रॉयड के होते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से लोगों में एंड्रॉयड वर्जन को लेके बहुत ही एक्साइटमेंट देखने को मिलता है। तो दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अभी करेंट एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन चल रहा है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नेस्टेड मैंगो चैनल और मैं हूँ आपका दोस्त रामकेश। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड्रॉयड के न्यू वर्जन एंड्रॉयड पी के बारे में, जो जस्ट फिलहाल अभी लॉन्च किया गया है। बीटा वर्जन जो पब्लिक किया गया है फॉर द पिक्सल्स फोन। जैसा कि आपको पता होगा कि पिक्सल्स फोन एंड्रॉयड को सपोर्ट करता है, जो गूगल का फोन है। और दोस्तों, ये 1,60,000 के आसपास डेवलपर्स के द्वारा टेस्ट किया जा चुका है, जो जस्ट फिलहाल अभी यूजर के लिए पब्लिकली किया गया है। तो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि हमारा जो नया वर्जन आया है एंड्रॉयड पी, जिसको बोलते हैं पाई, उसमें क्या नए फीचर हैं। और दोस्तों, ये भी जानेंगे कि इसको किस तरह से आप अच्छे यूज में ला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस पे काफ़ी ध्यान रखा गया है, काफ़ी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का यूज़ किया गया है ताकि लोग इसका अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकें। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं, नए फीचर को जानते हैं। दोस्तों, जो पहला फीचर है वो है यूआई चेंजेस। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो भी एंड्रॉयड के वर्जन आते हैं उसमें काफ़ी यूआई आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, उसी तरह से इसमें भी यूआई चेंजेस हैं, जिसमें जो ऐप आइकन है या जो भी आपके ब्लूटूथ या वाईफाई बैटरी इस तरह के आइकन हैं वो आपको थोड़ा अलग देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये था यूआई में। अगर आप इसके पिक देखोगे तो आपको ज़्यादा आइडिया समझ में आएगा। दोस्तों, जो सेकेंड फीचर है वो है न्यू अप्रोच टू नेविगेशन। इसमें जो नेविगेशन बनाया गया है दोस्तों, आपको पता होगा कि आईफोन में जो कैंसिल बटन है वो नहीं होता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह की फीचर देने की कोशिश किया गया है। और इसमें आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आपके पास तीन बटन होते हैं, तो आप चाहते हो अगर तीन बटन को यूज़ करना तो यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो, एक टॉगल बटन दिया जा रहा है जिसकी मदद से आप सारे जो भी आपके मिनिमाइज हैं, कैंसिल हैं, वो सारे वर्क आप ले सकते हो, वर्क कर सकते हो। आपको जस्ट स्वाइप करना होगा और नीचे आपको एक टॉगल बटन दिख जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। और दोस्तों, जो तीसरी बात करें तो मैंने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का काफ़ी यूज हुआ है। जो पुराने वर्जन आए हैं ओरियो, उनमें भी काफ़ी यूज था। तो दोस्तों, इसमें एडेप्टिव ब्राइटनेस और एडेप्टिव बैटरी का यूज़ किया गया है। एडेप्टिव ब्राइटनेस, आपको पता होगा कि जो ब्राइटनेस है वो मैनेज रहती है डे के टाइम के अनुसार। बट दोस्तों, जो एडेप्टिव ब्राइटनेस है वो डिपेंड करती है कि आपने अपने फ़ोन को किस कंडीशन में कितना ब्राइटनेस रखा है, उसके बेसिस पे लर्न करेगा एंड देन उसके बेसिस पे आपके ब्राइटनेस को मैनेज करेगा। और दोस्तों, जो एडेप्टिव बैटरी है, आपको पता होगा दोस्तों, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जो जिनका कोई यूज़ नहीं होता है बट बैकग्राउंड में रन करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा डेटा और बैटरी दोनों जाती रहती है। तो दोस्तों, इसकी मदद से आप अपनी बैटरी पर कंट्रोल कर पाएंगे। जो बैटरी होगी और जो यूजलेस एप्लीकेशन है जो आपके यूज़ में नहीं आ रहे हैं, उनको एक डिस्ट्रॉय करेगा बैकग्राउंड रनिंग को एंड देन आपकी बैटरी को सेव करेगा। और दोस्तों, जो चौथा फीचर आप इसमें देखते हो वो है ऐप एक्शन एंड स्लाइसेस। ऐप एक्शन में दोस्तों, आपको ओरियो में भी आपको एक फीचर नज़र आया होगा जिसमें आपको एक बताया जाता है कि आप कौन से एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ करते हो, उसके बेसिस पे आपके सामने एप्लीकेशन आते रहते हैं। तो ऐप एक्शन इसमें भी है। एंड दोस्तों, ये स्लाइसेस जो है वो एक जो कलेक्शन यूआई का एक पार्ट है, जिसमें आप बहुत सारे कलेक्शन, आपको बहुत सारे एप्लीकेशन एक साथ देख। दोस्तों, स्लाइस आपको मदद करता है वन टाइम बहुत सारे काम को करने के लिए। जैसा कि आप अगर चाहते हो गूगल सर्च में कुछ सर्च करते हो, देन आपको एट वन टाइम आपको आपकी लोकेशन से, आप जहाँ पे ऑफिस जाना चाहते हो या जिस लोकेशन पे जाना चाहते हो या आपका जो कॉस्ट आएगा, वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आपको बता देता है। तो दोस्तों, ये स्लाइस का यूज है। एंड देन दोस्तों, अगर पांचवें फीचर के बारे में बात करें, जो बेटर कंट्रोल ओवर ऑडियो, यानी कि जो ऑडियो है आपको बहुत ही आसानी तरीके से आप मैनेज कर पाओगे। आपको एक राइट साइड में एक स्लाइड मिल जाएगी जिसमें आपको वाइब्रेशन करना चाहते हो या आप अपने फ़ोन को रिंग टोन पर रखना चाहते हो, उसको आप आसानी से मैनेज कर पाओगे। और दोस्तों, अगर आप इसे साइलेंट रखना चाहते हो या आप इसको रिंग टोन करना चाहते हो या आप अपने म्यूजिक के जो वॉल्यूम है उसको कम करना चाहते हो या ज़्यादा करना चाहते हो या रिंग टोन को, तो ये दोनों को में डिफ्रेंशिएट है, आप दोनों को अलग अलग मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों, ये फीचर आपको बहुत ही कूल नज़र में आएगा।
और दोस्तों आपको लगता होगा कि आजकल जो हमारे लोग हैं वो काफी मात्रा में फोन को ज्यादा यूज करते हैं, तो जिसकी वजह से गूगल ने इस पे काफी ध्यान रखा है और उसने सस एंड विंडो डाउन फीचर लाया है, जिसमें आपको दोस्तों जब भी आप अपने फोन को पलट के रख देते हैं तो उस समय आपके आपका कोई भी फोन कॉल्स नहीं आएगा। और इसमें भी आपकी प्रायोरिटी है, अगर आप चाहते हो कि कुछ फोन कॉल्स आए, लाइक आपके मॉम डैड अगर आप चाहते हो उनका फोन कॉल्स आए या गर्लफ्रेंड का फोन कॉल आए इज ओवर टाइम, तो आप उसको फेवरेट कॉन्टेक्ट में कर सकते हो जिसकी वजह से आपके कॉल वो आते रहेंगे, बट अदर कॉल जो भी स्क्रीन के एक्टिविटी है वो आपका कोई भी वर्क नहीं होगा, उसमें डिस्प्ले बिल्कुल ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों ये था सस, एक कीवर्ड भी है जिसकी मदद से अगर आप इसको बोलते हो तो उस समय आपका फोन जो है वो डू नॉट डिस्टर्ब की मोड पे चला जाता है। तो दोस्तों ये फीचर मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि जिसकी मदद से आप काफी रिलैक्स फील कर सकते हो एज अ बिजी लाइफ में। और दोस्तों जो सातवां फीचर है वो एंड्रॉयड डैशबोर्ड एंड ऐप टाइमर है। एंड्रॉयड डैशबोर्ड दोस्तों क्या करता है कि आपको बताता है कि आपने जितने भी आपके फोन में सपोज 50 एप्लीकेशन है तो आपको बताता है कि आपने कौन से एप्लीकेशन कितनी मात्रा में यूज किया है। तो दोस्तों ये आपको हेल्प करेगा कि आप जो भी ये आपको हेल्प करेगा कि आपके लिए कौन सा एप्लीकेशन यूजफुल है कौन सा नहीं, आप कौन सा यूज करते हो कौन सा एप्लीकेशन यूज नहीं करते हो, जिसकी मदद से आप उसे अनइंस्टॉल कर सकते हो और आपकी मेमोरी भी बचेगी। एंड देन दोस्तों ऐप टाइमर आया है, यानी कि आप फेसबुक लोग बहुत ही ज्यादा टाइम तक यूज करते रहते हैं, बाद में लोगों को पछतावा भी होता है, तो जिसकी मदद से ऐप टाइमर की मदद से आप टाइम सेट कर सकते हो। और सपोज आपने 20 मिनट का टाइम सेट कर दिया तो 20 मिनट के बाद आपका फेसबुक बंद हो जाएगा, एक ग्रे कलर आ जाएगा, एंड देन उसके बाद आपका फेसबुक ओपन नहीं होगा। तो दोस्तों ये सारे फीचर आप पे डिपेंड करते हैं आप इसको किस तरह से आप यूज में लाते हो। और दोस्तों इसके जो अलग फीचर हैं मैंने आपको 7 फीचर बताए, और दोस्तों अगर आपको कुछ अच्छे लगे हों तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जहाँ से आपको लर्निंग के वीडियोस मिल जाते हैं। तो दोस्तों इसमें काफ़ी चेंजेस और भी हुए हैं, लाइक आपकी जो सिक्योरिटी है उसको काफ़ी इंक्रिप्शन जो है वो 3rd लेयर 3 लेवल पे बढ़ा दिया गया है। और बात करें अगर एज ए डेवलपर तो नोटिफिकेशन में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, जैसे कि आप जो यूजर फील है जो यूजर एक्सपीरियंस है वो काफ़ी बेटर होगा। तो दोस्तों जो पर्सन क्लास है उस मदद से आपको नोटिफिकेशन को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दोस्तों एज ए डेवलपर भी आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो आप YouTube वीडियो को SDR में देख सकते हैं जिसकी मदद से। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आया तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और हमें बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।